अरुण शाह जी, वो कौन सी वजह थी कि स्वाति मालीवाल मुलाकात करना चाह रही थी मुख्यमंत्री से और सीएम भीतर की ओर होते हुए भी सुबह के 9 बज रहे थे। उनकी दिनचर्या तो बहुत सुबह ही शुरू हो जाती है, उसके बावजूद वो अपनी ही राज्यसभा सांसद से 10 कदम चलकर आकर मुलाकात नहीं कर सकते थे। जसमीन शाह जी, चित्रा जी, पहले तो मैं आपका एक सवाल दोहरा दूं जो इस पूरे सिलसिले में सबसे अहम है कि अगर स्वाति मालीवाल जी के साथ वाकई में कुछ उस दिन हुआ था, वो तो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रह चुकी है, उनको तो पता है कि लीगल प्रोसीजर क्या होता है। वो चाहती तो उसी दिन मेडिकल रिपोर्ट करवा सकती थी, सारी चीजें करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने 4 दिन इंतजार किया। तो सवाल खड़ा होना चाहिए कि इन चार दिन में उनके पास किन किन लोगों के कॉल आए, भाजपा के किन किन। मैं तो कहता हूं, अगर शाजिया जी इतनी कॉन्फिडेंट है कि भाजपा का कोई लेना देना नहीं है तो हमारी बात मान ले, दिल्ली पुलिस इनके सारे कॉल रिकॉर्ड जांच करा दे और ये पता चल जाएगा कि भाजपा के कौन कौन से लोग इनके संपर्क में हैं। अच्छा, प्लीज बीच में बोलिए शाजिया जी, थोड़ी थोड़ी सिविलिटी रखिए, ये चिल्लाने से काम नहीं होगा। मैं अपने टाइम में अपनी बात रख लूं, फिर आप अपनी बात रख लीजिए। संजय सिंह ने झूठ बोला था, पता है कि आप लोग प्रज्वल रेवन्ना के सपोर्टर हैं, बृजभूषण शरण सिंह के सपोर्टर हैं, आज भी उसके बेटे को टिकट लेके बैठे हैं और यहाँ पे हंसी हंसी मजाक कर रहे हैं। आपको थोड़ी शर्म नहीं आती? वो तो देश पूरा जानती है। आज भी प्रज्वल रेवन्ना को संरक्षण कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है। प्रज्वल रेवन्ना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे अभी भी जर्मनी में है, इंडिया के बाहर है, लेकिन भारत सरकार और मोदी सरकार को कोई परवाह नहीं है। तो ये तो आपको दिखा था ना, आपका चरित्र खुद आपके लक्षण दिखाते हैं। तो मैं अपनी बात करूं, उसके बाद आप अपनी बात रखें, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। शाहजा जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, दोनों अपने अपनी बारी में बोलेंगे। मुझे बोलने, लेकिन संजय सिंह कोई बीजेपी के नेता तो है नहीं ना जसमीन शाह जी। संजय सिंह अगले ही दिन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार करते हैं कि उनके साथ बदसलूकी हुई है और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब इसमें भी तो बीजेपी कहां से आ गई? संजय सिंह इतने बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के। मुझे मुझे एक मिनट का अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए, ये मैं सारी चीजें कह दूंगा, मुझे कोई इंटरप्ट ना करे, क्योंकि आपने बहुत अहम सवाल पूछा। देखिए, कभी भी कोई भी महिला अगर कहती है कि उनके साथ बदसलूकी हुई है, कुछ भी प्रकार का गलत बिहेवियर हुआ है, तो सिंपथी हमेशा महिला के साथ होनी चाहिए। उसी तर्ज पर संजय सिंह जी जाके मिले, स्वाति मालीवाल से मिले, उनका पक्ष जाना, तो जरूर उन्होंने जो कहा होगा उसके एवज में संजय सिंह का बयान आया। लेकिन कल जो वीडियो बाहर आया, देखिए, एक तो है कि मैंने कहा ये कुछ, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जब वीडियो और तथ्य बाहर निकलते हैं और दूसरी तरफ विभव जी की भी पूरी काउंटर कंप्लेंट 1-to-1 मिनट बाय मिनट बताती है कि हुआ क्या था। देखिए ये इस प्रकार का जो हताशा और बौखलाहट है ना चित्रा जी, इनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना मैं इस डिबेट का हिस्सा नहीं रहूंगा। इस प्रकार टोकना करना, मुझे अपनी नई बात रखने देना, यही दिखाता है शांति से सुन रहे थे, अपनी अपनी बारी में बोल रहे, ये पूरी तरह से अपनी बात ही करना चाह रहे हैं भाई साहब। आप दुनिया भर मुझे आप अपना बात रखने दीजिए ना, इतनी तो शर्म रखिए, इतनी बदतमीजी से बात क्यों करती हैं? आराम से प्लीज, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। प्लीज शाहजा जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार उनकी बात तो हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा, एक बार उनकी बात तो हो जाए। और फिर यहाँ पे आके डिबेट करने के लिए आते हो, शर्म आनी चाहिए आपको, बात करने का तरीका नहीं है आपके पास। ठीक है जसमीन शाह जी, संजय सिंह के आरोपों पर संजय सिंह ने स्वीकार कर लिया था, अब इससे कैसे पीछे छुड़ाया गया? पहले शाजिया इग्नी जी का माइक डाउन कीजिए, तब मैं बात करूंगा चित्रा जी, ये कोई तरीका नहीं होता है। बोलिए जसमीन शाह जी। मैंने जो बात रखी थी अपनी, कि स्वाभाविक तौर पे अगर कहीं पे भी कोई भी महिला कहती है कि मेरे साथ कुछ बदतमीजी हुई है, तो इनिशियल सिंपथी इनिशियली उनका साइड रखा जाता है। लेकिन जब कल जो क्लिप आया, 13 तारीख की जो घटना हुई उसके बाद 17 तारीख को जो क्लिप आया, कि जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो कह भी रही है कि मैंने कॉल ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन वो वहां पे बैठी हुई है, कोई ऐसा हादसा हुआ दिखा नहीं है, और वो उल्टा सुरक्षा कर्मी दिल्ली पुलिस के लोगों को तो वो कंप्लेन करना चाह रही थी। जब दिल्ली पुलिस के ये जवान आए तब उनके साथ बदतमीजी करने शुरू, कह दी कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, अब तमाशा होगा। ये सारे शब्द देश के सामने है, वीडियो में लिखा हुआ कि अब तमाशा होगा, और होता भी क्या है, 3 दिन तक उनको पता है कि अगर मैं आज मेडिकल रिपोर्ट कराऊंगी तो सारा सत्य बाहर आ जाएगा, लेकिन वो सत्य छुपाना चाहती थी। 4 दिन तक इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट नहीं कराया, और मैं दावे के साथ कहता हूं, सवाल है कि भाजपा के साथ इनका क्या कनेक्शन है। और मैं ये भी आपके दर्शकों को बता दूं, देखिए इनके ऊपर एंटी करप्शन ब्रांच का 2 साल से चित्रा जी एक केस चल रहा है, ये केस काफी आगे हद तक पहुंच चुका है, चार्जेस फ्रेम होने वाले हैं, और ये हमें पता है भाजपा की ये पुरानी टूलकिट है,
हेमंत बिश्वा शर्मा को देश का सबसे बड़ा करप्ट आदमी बताया था, क्या हुआ एक हफ्ते में पलटी मार के भाजपा में शामिल हो गए, मुख्यमंत्री बन गए असम के। सिमिलरली नारायण राणे, छगन भुजबल, अजीत पवार को तो आपने डेप्यूटी सीएम बना दिया, बता दिया 70,000 करोड़ का घोटाला है। सब आपसे उल्टे सीधे चित्रा जी मुझे बोलने आप आरोप लगाते हैं लोगों के ऊपर, उनके ऊपर केस डालते हैं और जब वो पलट जाते हैं तब कहते हैं ये भी ये तो हमारी संपत्ति इनके साथ, तो ये तो साफ दिखती है ना, दिखता है ना कि इनका करप्शन से बहुत पुराना नाता है। ये कभी भी करप्शन के अगेंस्ट बोलने के लायक नहीं है और खास करके महिला विरोधी पार्टी भाजपा से बड़ी आज इस देश में है ही नहीं। आप बताइए 13 तारीख की बात है, सवाल यही है, इनको पहले जवाब देना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आप किसी भी महिला के साथ खड़ी हैं, तो पहले मणिपुर की माओं और बेटियों के साथ आप क्यों नहीं खड़े हो? एक साथ हो गया कि संजय सिंह सैकड़ों महिला, आपके खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि सैकड़ों महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन उनको इंसाफ कब मिलेगा? प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ हजारों वीडियो मिलते हैं, लेकिन उनकी वहां पे माओ बेटियों के साथ कब न्याय होगा? प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट कब कैंसिल होगा? ये सारी चीज पर साजिया इल्मी चुप है, लेकिन इस तरीके से सेंसिटिव मैटर पे दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आपकी बात पूरी भी आप साजिया इल्मी को सुन लेते हैं, ठीक है सर, लेकिन इस देश का ये दुर्भाग्य है, दोनों लोगों को ऑडियो डाउन किया जाए प्लीज। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जब भी बेटियों से महिला से जुड़ा हुआ मामला सामने आता है तो ऐसा लगता है राजनेताओं का चरित्र एक जैसा हो गया है। प्रज्वला रेवन्ना और मणिपुर की बेटियों का सवाल इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी की नेताओं की ओर से लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन जब अपनी ही राज्यसभा सांसद की ओर से 164 के तहत बयान दर्ज कराया जा चुका हो, उनकी ओर से इतने गंभीर आरोप लगाए जा चुके हों, तो यहां पर आकर कहा जाता है कि वो बीजेपी के टूलकिट का हिस्सा बन चुके हैं। अपने आप में ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिहाज से। कम से कम महिलाओं के चरित्र के सवाल पर हम एक जैसे रहें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, और जिस महिला के इंसाफ की बात हम करते हैं तो देश उस पर ज्यादा भरोसा करेगा। लेकिन शाज़िया इल्मी जी, अब आपके पास आते हुए जो सवाल आम आदमी पार्टी की ओर से पूछे जा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमारी ये पार्टी के भीतर का मसला है, बीजेपी क्यों इसमें आ गई है? कोई प्रमाण है इनके पास? मैं उनको चुनौती दे रही हूं, फिर से दूंगी, कोई भी सबूत है? हम तो इंतजार कर रहे हैं। आतिशी का पहले इल्जाम रहा है ना कि उनको कोई खरीद फरोख्त कर रहा है, कोई पैसे दे रहा है, अभी तक तो मुहर खुला नहीं आतिशी जी का। इस पर कोई सबूत है, कोई प्रमाण है, कोई SMS है, कोई WhatsApp है, किसी विजिट की इनके पास कोई भी कॉपी है? कुछ नहीं है, सिर्फ कहना है, ठीकरा फोड़ना है भाजपा पर। इनके अंदर पार्टी की गंदगी सामने आ रही है, पूरी पार्टी जो एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बन गई है उसकी असलियत सामने आ रही है, पूरा पर्दाफाश हो गया है। किस तरह के लोग काम करते हैं, किस तरह से उनका व्यवहार है, कितनी बदतमीजी करते हैं, कितनी ज्यादा दुर्व्यवहार होता है महिलाओं के साथ और लोगों के साथ, और कितने तानाशाह हैं ये सुल्तान साहब जो बैठे हैं शीश महल में, कि पुरानी साथी 20 साल से काम किया है, जैस्मिन वगैरह को तो कोई जानता भी नहीं था, तो अभी बाद में आए, बहुत ना ही आतिशी को, स्वाति ने 20 साल काम किया है अरविंद केजरीवाल जी के साथ, PCRF के दिनों से। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इस बगावत के पीछे की वजह क्या है, और बदसलूकी स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस के भीतर क्यों की गई? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है।